Thank you.
हमारा सुबह से लेकर रात तक दावाने की उम्मत दिए हैं हमको। तो पहला सीमा था अमृत वाला 2 बजे से 5 बजे तक कि बाबा को याद करना और बाबा से रोहन करना। ठीक तो नहीं कर दिया टाइम अमृत 2 बजे से ही अमृत वाला का जो टाइम है बोला 2 बजे से 5 बजे तक अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपनी अपनी प्रैक्टिस के अनुसार। कोई की प्रैक्टिस अच्छी है जागने की तो 2 बजे से पहले अमृत वेला नहीं है क्या? 1 बजे का बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो 1 बजे के बाद अमृत वेला नहीं है, है? तो बाबा आ गया अभी में मधुबन में, किसी को फोन करना है तो हम 5 बजे से पहले किसी को फोन करेंगे तो एक दिमाग का बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन बुद्धि तो उसकी तरफ चला जाता है उस समय। दो चार फोन करने का जरूरत है, अभी पीछे नहीं कर पाते। ठीक है, कर आगे करेंगे तो इस उम्र का बढ़ला हो जाएगा। आगे पीछे नहीं कर सकते फोन, पीछे कर सकते हैं। क्या बात है, और पता कैसे चलेगा कि बाप दादा कहाँ है? अमृत वाला अच्छा होता है, आप दादा कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? है तो मधुबन से हमको पहले समाचार मिल गया, मधुबन से बताया है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। का मतलब कोई गीता पाठशाला में भी आते हैं तो गीता पाठशाला वालों को भी लक्ष्य दिया हुआ है। गीता पाठशाला का माहौल वातावरण कैसा बनाना है? मिनी मधुबन जैसा बनाना है। तो वो भी तो मिनी मधुबन हो गया। और ब्रह्मा बाबा का तो पता लग जाता है क्योंकि पहले से अनाउंसमेंट होता है कि अमुक दिन अमुक समय पर ब्रह्मा बाबा वहां जा देंगे। कहां है? आबू में। लेकिन बाप दादा का पता चलता है क्या? पता चलता है? है? पता ही नहीं चलता। तो कैसे प्लान बना लेंगे फोन करने का? और बाबा कहते जो मेरे बच्चियों से 1 घंटे भी बैठकर याद करने की फुर्सत नहीं है। मेरे जो बच्चियों से 1 घंटे भी बैठकर याद करने की फुर्सत नहीं है। 1 घंटे भी? 1 घंटा तो बहुत होता है। ऐसा मतलब है ना बाबा, 1 घंटा भी बहुत होता है। तो बाबा जैसे अमृत वेले उठे हैं तो कम से कम कितने देर आत्मीय में रहना जरूरी है? ये मतलब बैठ करके ये लगन की बात है। इसको लगन होती है वो अगर निवृत्त होने के लिए भी उठते उठते चला जाएगा तो भी बुद्धियों कहाँ रहेगा? याद में रहेगा। लगन नहीं है और बैठकर जबरियत भी याद करेगा तो भी बुद्धियों ठिकाने नहीं लगेगा। तो गर्म करते हुए याद में रख सकते ना बाबा? अरे हमारा कर्म योग है या निवृत्ति मार्ग का योग है? निवृत्ति मार्ग वाले तो ऐसे कहते हैं
लेकिन हम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। हमें तो कर्मधारा को रोकना नहीं है। हट योगी कर्मेंद्रियों को हट पूर्वक वश में करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो याद की शक्ति से कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि उठ करके बैठ ही जाए, मतलब याद में अपना काम चालू कर सकते हैं। मुख्य बुद्धियों को बिठाना है या शरीर को बिठाना है? बुद्धियों का सेटलमेंट करना है, सेट करना है। हाँ, माया और प्रकृति दोनों कपिश को करते हैं। हाँ, प्रकृति प्रकृति भूकंप लाती है, उसको कपिश शो मानना है या प्रैक्टिकल मानना है? है, अगर कपिश शो मानेंगे और ऐसी स्टेज बनी हुई है कि हम टीवी में कपिश शो देख रहे हैं तो अवस्था हल्की बनी रहेगी। अगर ये प्रभाव पड़ गया कि अरे प्रकृति ने तो भूचाल ला दिया हमारी बुद्धि में, बुद्धियों हिल गया, तो माया ज्यादा खतरनाक है या प्रकृति ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा शक्तिशाली कौन है? माया ज्यादा शक्तिशाली, प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है। उसका नाम ही रखा गया प्रकृति, माने प्रकट रूपे और कृति माने रचना, इसलिए कहा गया है भगवान को पहचानना फिर भी सहज है लेकिन प्रकृति की चाल को पहचानना बहुत मुश्किल है। माया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांच कमजोरियों को माया कहा जाता है और ये पांचों ही कमजोरियां पहले पहले आत्मा में समाई हुई है 63 जन्मों से। और फिर आत्मा जैसे जैसे तामसी बनती है तो आत्मा के संस्कारों के अनुसार प्रकृति के पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर भी तामसी बनता जाता है। शरीर में 10 इंद्रियां भी है, स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियां होती है और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां होती है। इंद्रियों का सीधा कनेक्शन प्रकृति से है, प्रकृति हमारे स्वभाव संस्कार को कहा जाता है। मनुष्य का स्वभाव संस्कार जैसे जैसे बिगड़ता जाता है प्रकृति भी उतना विकराल रूप संघात में धारण करती जाती है। और अभी तो माया और प्रकृति दोनों ने हाथ मिला लिया है, क्या एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं? एक और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं।
बहुत जरूरी है कि हम भी एक न रहे। क्या करें? आज बताया ना, साथ ही बन करके रहे। एक मैं आत्मा और एक कंबाइंड बाप दादा। बाप दादा एक है या दो है? कंबाइंड है माने एक है। तब ही मुकाबला कर सकेंगे। अभी प्रकृति और माया दोनों मिलकर के अचानक वार करेंगे। और एक प्रकार का वार नहीं होगा, अनेक प्रकार से हलचल मचाएंगे। प्रकृति और माया दोनों मिलके एक हो जाते हैं, इसलिए काली का चार हाथ दिखते हैं। रावण के भी दस चीज दिखाते हैं। बाबा काली जी के बाद भाई फोटा क्यों मनाते हैं? मनाते भाई फोटा, भाई फोटा लगाते हैं ना बहन लोग, भाई लोग कपाल महाकाल और महाकाली एक का पार्ट है या अलग अलग आत्माओं का पार्ट है? अलग अलग पार्ट है। महाकाली अज्ञान की स्टेज में होती है, तो छाती पे पांव रख देती है। जब ज्ञान होता है तो विजय का तिलक भी लगाती है। दोनों रुद्रमाला के मणके हैं, दोनों आपस में भाई बहन हैं। चोले के हिसाब से या कोई दूसरा संबंध है? रुद्रमाला के मां के माने भाई बहन। शरीर में है तो भाई बहन, शरीर में नहीं है तो आत्मा आत्मा भाई भाई। समाज के कायदे से समाज समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा वाणी में कभी नहीं कहा कि समाज के कायदों पर चलना है? हाँ, जितना हो सकता है ईश्वरीय कायदों के अनुकूल जो समाज के कायदे हैं और जो सरकार के कायदे हैं उनको हमें फॉलो करना है। समाज एक से नहीं बनता, एक जैसी अनेक आत्माओं के संगठन को समाज कहा जाता है। अगर दुनिया वालों का समाज है तो हम ब्राह्मणों का अपना समाज नहीं है क्या? है या नहीं है? तो है। और ब्राह्मणों के समाज में ज्यादा ताकत है या दुनिया में जो समाज बने हुए हैं मनुष्यों के बनाए हुए, उनमें ज्यादा ताकत है? ज्यादा संगठन की शक्ति किसमें है?
इस बात पर निश्चय पैदा करना है कि उन समाजों के साथ भगवान नहीं है और हमारे ब्राह्मण समाज के साथ भगवान है। इसलिए उन समाज वालों को देख करके डरना नहीं है, वो अपने रीति रस्म रवाज दिखा देंगे, लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि उन समाज वालों के रीति रस्म रिवाज अंधश्रद्धालु और अंधविश्वासी बनाने वाले हैं और हमारे नीति नियम निवास जो ब्राह्मण परिवार के हैं वो अंधश्रद्धालु और अंधविश्वासी बनाने वाले नहीं है, नीचे गिराने वाले नहीं है। सारी बात तो समझाने की है। और वो समाज वाले आज भले कितने भी प्रखर हों, हमें ये तो पता है कि कल उनकी हार होनी है। वो और उनके मुखिया क्या, चाहे पोप हो चाहे मुल्ला मौलवी हो, वो सब आगे चल के हमारे सामने झुकने वाले हैं। तो निश्चय बुद्धि बीजेपी। बाबा 2012 के अंदर हमारा पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो जाता है, फिर महाभारत गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो जगदम्बा का जो पाठ है मतलब महाकाली का, उससे पहले ही तो होना चाहिए। पहले शुरुआत वाइब्रेशन से होती है, दृष्टि वृत्ति से शुरुआत होती है, या पहले स्थूल में काम शुरू हो जाता है? पहले वाइब्रेशन से शुरुआत होती है। हम सब एक दूसरे का अनुभव लें, दिली जिगरी अनुभव लेकर के देखें कि अवस्थाओं में उतार आ रहा है लगातार या चढ़ाव आ रहा है, क्या हो रहा है। चुप हो गए है? चुप क्यों हो गए? ठीक ही है, है? तो ठीक ही है। क्या ठीक है? है? जब हम पहले पहले सतोप्रधान स्टेज में निकले थे, चाहे बेसिक में कहो चाहे एडवांस कहो, उस समय हम बाप के नजदीक ज्यादा नजदीक और ज्यादा सहयोगी अनुभव करते थे या अब ज्यादा सहयोगी और ज्यादा नजदीक अनुभव करते थे? अभी भी वाणी ने बता दिया, इन बच्चों को विशेष मुबारकबाद दी है जो सेवा में निमित्त बने और निमित्त बन करके ढेर के ढेर बच्चों को बाप के सामने हाजिर किया। वो हाजिर करने का प्रैक्टिकल पार्ट जब हमारी सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज थी तब ज्यादा बजाया या अभी ज्यादा बजा रहे है? पहले ज्यादा था तो अवस्था भी, अवस्था भी पहले ज्यादा अच्छी थी और अभी डाउन हो रही है। डाउन होने का जो कारण है हम ये बताते हैं
कि माया हमारा अपोजिशन करती है। और अभी तो माया के साथ प्रकृति भी सहयोगी बन गई। अभी माया और प्रकृति दोनों के अचानक वार होने हैं। तो प्रकृति महाकाली है या महागौरी है? महाकाली है। इसलिए ऐसे नहीं है कि जो बाहर हम देख रहे हैं वो ही सच्चा है, अंदर अंदर क्या चल रहा है। अंदर अंदर कैसी स्टेज है? कहीं काली के प्रभाव में तो नहीं आ रहे हैं? तो महाकाली जब आएंगे, आएंगे जब प्रैक्टिकल में फील्ड में आ जाएंगे तो बाबा क्या भुक्त हो जाएंगे? जब महाकाली असुरों का धराधर संहार करती हुई आगे बढ़ती है, चित्र दिखाई गई है नहीं? तो चित्रों में चरित्र देखने में आता है ना। तो जब धराधर फीस कटते जा रहे हैं और महाकाली की भुजाएं कमर में बढ़ती जा रही है, तो शंकर जी अपने प्रभाव को गुप्त कर देते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं? गुप्त कर देते क्यों? जब काम हो रहा है तो हाँ, आराम से चैन की नींद पड़ के सो जाओ, मान अपमान से परे हो जाओ, काम किसी दूसरे का थोड़े ही हो रहा है, बाप का ही तो काम हो रहा है। टीचर का काम अंत तक चलता है क्या? पहले बाप, टीचर, बाद में सदगुरु का कठोर पाठ चलते हैं। बाप और टीचर नाच नखरे देख सकते हैं, लेकिन सदगुरु किसी के नाच नखरे देखने वाला नहीं है। और सदगुरु निराकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? टीचर निराकार ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि टीचर निराकार होकर के कैसे देगा? बाबा मुर्जी में अभी आया कि प्रजा पिता होगा तो दादा भी होगा, प्रजा पिता होगा तो साथ में दादा भी होगा। तो बाप होगा तो दादा भी होगा। तो बाप देख के, और जब बाप नहीं होगा तो दादा भी नहीं होगा, माने संपन्न। बाप अकेला संपन्न बनेगा या दादा के साथ संपन्न बनेगा? दादा के साथ संपन्न बनेगा। अभी भी कंबाइंड है तो बाप अभी भी बोला कि बच्चे अलग अलग कर देते हैं बाप दादा को, और बाप दादा फिर कंबाइंड हो जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे भक्ति मार्ग में देखने में आता रहा, जो भक्त हैं उन्होंने राम को और कृष्ण को अलग अलग कर दिया, एक दूसरे की अगरबत्ती की खुशबू भी एक दूसरे को नहीं लेने देते।
इतना अलगाव पैदा कर देते हैं, शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही तो बाबा बाप देख रहा है तो कैसे देख रहा है? बाप दो है, एक नहीं है। बाप कितने हैं? दो हैं। एक है सदा संपन्न रहने वाला, सदा शिव, सदा शंकर कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है? सदा शंकर क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि शंकर भी देवात्मा है, मनुष्य आत्मा है, मनन चिंतन मंथन करने वाला फरिश्ता है। जो मनन चिंतन मंथन करता है या सोचता है, वो असोचता है। ये बाप जब कहते हैं तो भी देखना पड़ता है ये कौन से बाप के लिए ये बात लागू होती है। ऐसे कहते हैं सदा आशिव, तो कौन सा बाप हुआ? आत्मा का। तो देखेंगे तो नेत्रों से देखेंगे ना। हाँ हाँ, बाप दादा को इन नेत्रों से ही देखने की प्रैक्टिस है क्या? या बाप को जो सदा शिव है वो इन नेत्रों से ही देखता है क्या? बच्चों की नेत्रों से नहीं देखता? हजार आंखें, हजार भुजाएं, तो हजार आंखों से हजार कानों से नहीं सुनता? एक ही होना जरूरी है क्या? और ठीक है, सुप्रीम सोल के लिए मासूक, आर्थिक मासूक का संबंध है या नहीं है? अरे सुनो पहले, आर्थिक और मासूक का भी कोई संबंध माना जाता है या नहीं माना जाता है? और बाप और बच्चे का भी संबंध माना जाता है, लेकिन शिव सुप्रीम सोल का जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनके साथ क्या संबंध है? बाप और बच्चे, कोई दूसरा संबंध तो नहीं है? नहीं। लेकिन जब आर्थिक और मासूक की बात आती है तो साकार में आर्थिक मासूक बनता है या बिंदी रूप में? अब आगे बोलो, अब साकार में बनता है, अब आगे बोलो। बाबा मुरली ने बोला है आज सब आत्मा के लिए मासूक है सुप्रीम को, और एक के लिए स्त्री बोलते हैं और के लिए नहीं। इसीलिए बोला कि जब वो निराकार जो बिंदु है सदैव उस साकार में प्रवेश करता है तो मासूक है। ये बोला पिता पिता को पहले पहले बल्ली बना, और बाकी सब क्या है? बाकी सब आसूक है, इसलिए बोला। और पूजा होते हैं क्या? काली का पार्ट पता नहीं चला अभी? हाँ, दुर्गा पहले या काली पहले? पहले पहले तो दुर्गा, दुर्गा जो है वो दुर्गतों दुर्गुणों को दूर करने वाली को कहा जाता है। ये अच्छा काम है, इससे किसी को दुख होता है या अच्छी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो सतो प्रधान स्टेज का पार्ट है,
यही के आज में भी ये काम हुआ है। हाँ लक्ष्मी पूजा क्या इसके बाद लक्ष्मी पूजा होते है, लक्ष्मी पूजा के बाद फिर काली पूजा होते है। ठीक है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, या पहले महाकाली प्रत्यक्ष होते हैं? लक्ष्मी नारायण 76 में प्रत्यक्ष हुए, पता लगने वालों को पता लग गया कि ये नारायण का पाठ है और ये लक्ष्मी का पाठ है। शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम में शूटिंग होती है, पहले लक्ष्मी और बाद में महाकाली। जो लक्ष्मी है उसी का बचपन का नाम क्या है? उससे परेशानी क्या हो गई? और लक्ष्मी नारायण जिनका जन्म 76 में दिखाया गया में, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब दिखाया गया है? 76 में। तो वो शंकर पार्वती का पाठ हुआ ना, किसका पाठ हुआ है? शंकर पार्वती का। उसमें शंकर का माँ बाप तो कोई नहीं दिखाता, दिखाता है क्या? पार्वती का माँ बाप फिर भी कौन दिखाया है? हिमालय राज। और माता का नाम? मेनका। मेनका नहीं, मैना। मैं ना करूंगी, बात बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं है, पहचान नहीं होती जल्दी। हिमालय राज बताते, उनके पहाड़ का नाम क्या है? हिम आलय, आलय माने घर, हिम माने बर्फ, बर्फ का घर है। इस धूल घर की बात है या बुद्धरूपी घर है? ऐसा है, जाम है, जाम बर्फ की तरह, मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम है हिमालय। ऐसे की पुत्री है, ऐसे नहीं है कि राधा के माँ बाप नहीं है, राधा के तो माँ बाप हैं, लेकिन नर नारायण के माँ बाप नहीं है। हिमालय तो ब्रह्मा को बोला ना, हिमालय तो ब्रह्मा को। हाँ जी। जो कहे मैं ना मानूंगी, अरे बाप को पहचानने का काम हिमालय का पहले होगा या उसकी पत्नी मैना का पहले होगा? कौन पहले पहचानेगा? मैं ना पहले पहचानेगी, बाप को मैं ना पहले पहचानेगी है? अगर पहचाने तो ना करे है? अगर पहचानेगा तो ना करने का सवाल ही नहीं, ना माने नास्तिक। इसलिए ब्रह्मा की सोल ही पहले पहले 100% पूरा पहचानती है। कृष्ण बच्चा बाप के साथ संपन्न बनेगा। कौन से बाप के साथ? आत्माओं के बाप के साथ या मनुष्य शक्ति के बाप के साथ?
उसका नाम है मैना, उसका नाम है हिमालय राज। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने अपना भरपा किसको दिया? ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में कौन व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए वाणी में बोला, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खाती होती है कुमारिका की, ओम राधे के नाम नहीं लिया, इसका नाम लिया। हाँ जी, आपको माना? और भक्ता का क्वेश्चन क्या था, ये सब स्टेट में, सब स्टेट में दुर्गा पूजा का टाइम में रावण को जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में रावण को क्यों नहीं जाते? सबसे ज्यादा विचार कौन से क्षेत्र में होता है? दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहाँ है? हिस्ट्री में कहाँ हुआ है? अरे भी नहीं, भी की बात नहीं करो, मुरली में क्या बोला? कलकत्ता को बोला। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तो लखनऊ में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बाइकी विश्वास। नहीं नहीं नहीं, जो लखनऊ है वो बाद में है, नवाबों की दुनिया बाद में है या बंगालियों का राज्य पहले? नवाब तो अंग्रेजों के टाइम पर हुए, और बंगाल तो बहुत पुराना है, ईस्ट इंडिया कंपनी थे उससे भी ज्यादा पुराना है। पुरानी बात को उठाएंगे या नए शहर लखनऊ को उठाएंगे? इसलिए बोला है कि वो सारे विश्व का जो बीज है वो कहाँ से निकलता है? बंगाल से पकड़ा। सरसों को कहाँ से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। और बंगाल से जिस सरसों को पकड़ा, वो जब हाथी समूह प्रधान स्टेज में होता है, वो कौन सी आत्म है? राम ही रावण बनता, जो सबसे ज्यादा अभिविचारी बनता है दुनिया में, वो ही सबसे ज्यादा विविचारी भी बनता है। कृष्ण कंस बनता है और राम रावण बनता है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा वैश्यालय भी कहाँ होगा? जहाँ बाप होगा वहाँ उसके बच्चे भी होंगे। और सबसे बड़े बड़े शिवालय नहीं होना चाहिए? अजी शिवालय सबसे बड़ा विश्वालय होगा। हाँ, में सबसे बड़ा शिवालय भी होना चाहिए। बनाओ बनाओ अभी बनाएंगे हम लोग। बाबा तो ये नहीं कह सकता कि नहीं होना चाहिए। बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? बढ़ाने वाला है। बाबा तो कहेंगे बनो। बाबा रावण की क्यों नहीं होता जलाते हैं? क्यों उसको बोलिए रावण की क्यों नहीं जलाते? रावण को क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि वो बाप बन के पैदा हुआ ना दुनिया में। कहाँ पैदा हुआ? अरे जो है जैसा है, हमारा कौन है? तो बाप को कोई जलाता है क्या है? जलाना जलाना निश्चित कर लिया है क्या? नहीं ना। अच्छा हाँ विचार कौन से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है? हाँ जी ठीक है। बंगाल में तो ईश्वर मानते हैं हम लोग है। शंकर को हाँ शंकर की पूजा नहीं आ रही है। शंकर की पूजा नहीं होती? हाँ यहाँ की पूजा नहीं होती है। जो है ये
है, सारा शिवलिंग है, एक भी शिवलिंग यहाँ बंगाल में नहीं, वो नहीं है। हाँ, वो अंत की स्टेज नहीं है या आज की स्टेज नहीं है, आज की यादगार नहीं है या अंत की यादगार नहीं है, अंत की यादगार नहीं है, कंपन स्टेज वाली, आज की तो यादगार है। क्या यादगार है? अरे बनियन ट्री तो है, है? बारह शिवलिंग में बारह शिवलिंग है, मैं तो निराकारी स्टेज पकड़ने वाला यहाँ से बंगाल से नहीं। तो ये तो रूहानी मिलिट्री है बाप दादा की, है या नहीं है? है रूहानी मिलिट्री, भारत में बंगालियों को मिलिट्री में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं। और मिलिट्री मैन कैसा होना चाहिए? है बिल्कुल आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, फौरन करने वाला, फाइनल। बाहर वालों से हमें बाहर वाला बनना है, अंदर वाला बनना है। और ब्रिटिश लोग तो बाबा मिलिट्री से ले लिया बंगाली को, बंगाल को जो लिया नहीं मिलिट्री में, वो तो ब्रिटिश वालों से चालू किया, जो डिवाइड एंड रूल करते थे, जो हम लोग का देश के लिए शैतान थे। अभी अभी क्या अच्छे लोग हैं? अभी तो ब्रिटिश का चमचा लोग है। तो फिर ब्रिटिश वालों की तो औलाद अभी भी है, ब्रिटिश वालों का राज्य अच्छा था, रेगुलेशन अच्छे थे या आज वालों के अच्छे? बहुत अच्छे, तो अच्छा था। एक तो फिर बाप जो है बाप होता है और बच्चा कलयुग में सवाया हो जाता है। हाँ जी, देवताओं को कम से कम आठ कला से ज्यादा कला होना चाहिए। देवताओं को आठ कला से ज्यादा कला होना चाहिए, होती है ना त्रेता के अंत में, तब तो देवता होंगे। हाँ, देवताओं को जिन्हें देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता, राक्षस नहीं कहा जाता। हाँ जी, वो त्रेता के अंतिम जन्म में भी आठ कला वाले होते हैं। आठ कला से थोड़ा ज्यादा होता है, आठ कला से थोड़ा ज्यादा होगा। आठ कला भी जब तक रहेंगे तो भी देवता है, जब आठ कला से एक पॉइंट भी आगे बढ़े तो कला भी किया जाता। दापोन में 23,000 उतरते हैं तो उसका कला आठ कला से नीचे नहीं होता है? द्वापर के आदि में या अंत में 23,000 नहीं उतरते, दस कोटि होगा कलयुग के अंत तक। 23,000 जो देव आत्माएं हैं वो भी उतर आती है, तो उसको देवता क्यों कैसे कहा जाएगा? उसके देवता का टाइटल देवात्मा, देवात्मा देवता नहीं, देवताओं की आत्मा है। दुनिया में ऐसा गायन है 33 करोड़ देवता। हाँ, 33 करोड़ देवता गायन है, इसलिए कि आज भी भारतवर्ष में ऐसे परिवार देखे जाते हैं जो 50-50 60-60 लोगों का एक एक परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है और एक ही मुखिया होता है जिसकी बात मानता है। जैसे कलयुग के आज में राजा और उसकी प्रजा होती थी, ऐसी स्थिति दुनिया के और किसी देश में देखने में नहीं आती है। राजा को जमन थी। हाँ जी, ऐसे ऐसे परिवार अभी भी है। हम वर्धमान निवाणी में एक देखा, पासू फैमिली एक से चलते थे और उसको देखने के लिए इंदिरा गांधी आया थे। हाँ जी, छोटी माँ चंद्रवंशी है, वो सूर्यवंशी बनेंगे ना? छोटी माँ सूर्यवंशी होंगे ना? छोटी माँ या बड़ी माँ? सूर्य
सूर्यवंशी तब कहे जाएंगे जब ज्ञान सूर्य को पहचाने और माने जाने और वो सेवा के कार्य में जुट जाए। ठीक है, ये रुद्रमानस का पुरुष है ना, भाव स्वभाव संस्कार के अनुसार ये जो भी रुद्रमाला के मन के होंगे वो कंट्रोलर के स्वभाव वाले होंगे। ओ, रिजुविनेट हो गया वो, क्योंकि क्योंकि आप राजा बनाने आए हैं। हाँ जी, वो रुद्र सेव के बच्चे हैं, बाप आधीन बनना नहीं सिखाता। तो रुद्रमाला के जो माताएं करना है वो उसका तो रिजुविनेट होकर के तो भी माताएं कन्याएं ये देह नहीं देखी जाती है। वो तो पुरुष होंगे ना, फिर यहाँ क्या देखा जाता है, भाव स्वभाव संस्कार वाली आत्मा देखी जाती है। तो सौ संस्कार पुरुष का होगा कि मुखिया रिजुविनेट होकर के ये लिंग भी चेंज हो जाएगा। जब भाव स्वभाव संस्कार चेंज हो जाता है तो लिंग भी चेंज, आत्मा चेंज होती है या पहले शरीर चेंज होता है? पहले आत्मा के स्वभाव संस्कार चेंज होते हैं तब शरीर उसको मिलता है गर्भ। और ये छोटी माँ जब पुरुष हो जाएंगे तो बच्चा पैदा कैसे होगा? छोटी माँ पुरुष हो जाएंगे तो कौन सी कौन सा नया ज्ञान निकला, छोटी माँ पुरुष हो जाएगी? अरे ये कौन सी मुरली में आ गया? बाबा को मानेंगे, बाबा को पहचानेंगे, वो तो मानने पहचानने से मतलब नहीं है, मतलब है आत्माओं में वो राजा स्वाधीनता के संस्कार और आत्मा में वो रानी पराधीनता के संस्कार, इस बात से मतलब। क्या दिखाते हैं? जो भैंस है, भैंसा है, उसके पास कौन सा हथियार होता है? सिंह उसके पास हथियार होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, जीके वाले भी और दुनिया वाले भी उंगली उठाते हैं, अरे इतनी ढेर की ढेर कन्या माताएं रखने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न दुनिया वालों को पैदा होता है पहले या उसका बीज पहले ब्राह्मणों की दुनिया में पैदा होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही खासकर एडवांस पार्टी वाले में वही ऐसे लोग हैं जो ये प्रश्न पैदा करते हैं। उसका जवाब क्या है? उसका एक ही जवाब है, अरे तुम अपना सिंह चलाना छोड़ दो तो तुम्हारे पास भी कन्या माता इकट्ठी हो जाएगी, जैसे कृष्ण के पास इकट्ठी हुई थी। तो तीन किस बात की निशानी है? विकृति की निशानी, बद्रीनाथ में गंगा दिखाई जाती है, गंगा का उदय होता है, गंगोत्तरी। गंगा कहाँ से निकली, कहाँ से उतरी? गंगा उतरी गंगोत्री में, की पैदाइश भैंसा से नहीं दिखाई गई, गाय से दिखाई गई, गौमुख दिखाया गया। बल पत्थर बुद्धि है, फिर भी पैदाइश गंगा की गौ से दिखाई गई है, बैल से नहीं। और केदारनाथ, वहां से कौन सी नदी निकलती है?
वो कहाँ की यादगार है? एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। वहां से गंगा नहीं निकलती है, कौन सी नदी? यमुना। यमुना काली नदी है या गोरी नदी है? काली नदी है। काला कैसे बनते हैं और गोरे कैसे बनते हैं? बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। काली कैसे काली बनी? कहाँ फाउंडेशन पड़ा? और गोरी कैसे गोरी बनी? कहाँ फाउंडेशन पड़ा? संगम युग में तो फाउंडेशन पड़ा, लेकिन प्रभाव कहाँ का आ रहा है? बनी बनाई बन रही कहाँ की बनी बनाई है? आदमी नहीं, तेसर जन्मों में। तेसर जन्मों में जिन आत्माओं का जहां जैसा संग का रंग लगा है, वैसा भक्ति मार्ग में उनको दिखाया गया है। रंग के रंग की बलियारी है। ये केदारनाथ में भैंसा का सिंह दिखाया गया है और जो हंस है उसके पास ज्ञान के मोती हैं, ज्ञान के रतन हैं, या बगुले के पास ज्ञान के रतन है? हंस के पास ज्ञान के रतन है। इसलिए बोला 100 बगुलों के साथ एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है, उसकी शिकायत नहीं करेगा। हम कैसे पुरुषार्थ करना, हमारे साथ चारों तरफ बगुले ही बगुले। वो अपने को चेंज करता है या बगुलों को चेंज करता है? आप बताओ क्या काम है? हंस का काम है, बगुला नहीं संस्कार मिलाएगा। बगुला तो टकराएगा संस्कारों को या मिलाएगा? टकराएगा। उसके अंदर ज्ञान ही नहीं
ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा धारणावान वो धारणावान के पक्ष में ज्यादा रहेगी, या जो धारणावान नहीं होगा देखो बोल बोल करने वाला होगा उसके पक्ष में ज्यादा रहेगी, धारणावान के पक्ष में रहेगी। तो उनका ज्यादा संसर्ग संपर्क किससे था? छोटी माँ के साथ, प्रश्न की बात ही नहीं। और जिसके साथ ज्यादा संपर्क संबंध होगा, मेलजोल होगा, दिल की बात उसी से जाके कही जाएगी। छोटी माँ डायरेक्ट बोला था क्या सुबह ग्राम को उसी के बारे में? क्या छोटी माँ का कनेक्शन ज्यादा था? मनुष्य शक्ति के बाप के साथ या बड़ी माँ का ज्यादा कनेक्शन था? बड़ी माँ ज्यादा नजदीक रहती है, मिलन मेला जाति बड़ी माँ मनाती है मनुष्य शक्ति के बाप के साथ, या छोटी माँ ज्यादा मनाती है? तो ज्यादा कनेक्शन किसके साथ हुआ? हमारी के साथ, बड़ी माँ के साथ था। हाँ, तो बड़ी माँ का कनेक्शन राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा था, और छोटी माँ महारानी का पार्ट बजाने वाली है जन्म जन्मांतर की, तो उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी या कम होगी? है ज्यादा होगी। आखिरी जन्म में भी जो आदि का जन्म है संगम युग जिसे कहते हैं स्वर्णिम युग विष्णु का पार्ट, आदि में विष्णु तो अंतिम जन्म में भी विष्णु वाले संस्कार होने चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती को या दादा लेखराज और यशोदा को विष्णु स्वरूप नहीं कह सकते, कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि यशोदा ने तो वो संस्कार ही नहीं थे ब्रह्मा बाबा को साथ देने के, इसलिए छोटी माँ ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया गया। इसलिए जो सहन शक्ति वाली माँ का थे यज्ञ के आदि में वो सौत को अपने पति के सुख के लिए स्वीकार करेगी या इनकार करेगी? इनकार करने वाली है, और उसके अंदर तो संस्कार है जन्म जन्मांतर के। महारानी कब बनती है? है जब छोटी छोटी रानियां भी रही हो ढेर की ढेर, और उनको अपने दिल के अंदर समा के रखा हो। बड़ा विशाल हृदय चाहिए या छोटा दिल चाहिए? है बड़ा विशाल दिल चाहिए। तो बड़ी माँ को छोटी माँ ने स्वीकार कर लिया था, सौत का संबंध नहीं निभा के रखा, बहन का संबंध निभाया होगा या सौत का संबंध निभाया होगा? बहन का संबंध निभाया। इसलिए माताएं अपनी बात दिल की बात माताओं से ज्यादा करती है या बच्चों से करती है? है माता अपनी बात माताओं के बीच में पहले रखती है। तो छोटी माँ ने वो साक्षात्कारों की बात पहले किसके सामने रखी? बड़ी माँ के सामने रखी। और बड़ी माँ तो बड़बत वाली है, बड़ी चीज वाली,
बड़ 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 भागते। मनुष्य शक्ति के पिता के ज्यादा नजदीकी होने के कारण बात बोल दी, वो भागीदार से डायरेक्ट कहने की हिम्मत न दादा लेखराज को थी और न छोटी माँ को थी।